अच्छा ये भी नहीं पता कल क्या होगा, ये भी तय नहीं है। अभी इन्होंने मेरी गाड़ी पे हमला करा, आपने देखा होगा यहाँ तो। क्यों करा ये नहीं पता आपको? कतौली में ये अहंकार में कह रहे थे कि ये हमें कोई हरा नहीं सकता, हरा नहीं सकता। मैंने इनके अलग से खींच ली वो सीट, यही तो लड़ाई है मुझसे। मैंने इनसे कहा, ये कह रहे हैं कि हमने मंत्री लगा दिए, हमने मुख्यमंत्री लगा दिए, बाबा जी भी आए वहां बड़े बड़े भाषण देंगे, बवाल सवाल जो मनाया कहेंगे। मैंने कहा आप चिंता मत करो, उन लोगों से भी कहा कि भाई आप परेशान मत हो, देखते जाओ। ये जो जनता ना इसको समझाने की देर, कि आज हालात क्या है। मैं आपसे पूछ रहा हूं, इस नफरत में कोई रोजगार कर लेगा क्या बाहर जाके, आप बताओ? और हम जो नफरत बांट रहे हैं, कल इसका सामना हमें नहीं करना पड़ेगा क्या? तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि अगर अपने हक अधिकारों की लड़ाई लड़नी है तो फिर आपको खड़ा होना पड़ेगा। मैं इस लड़ाई को भले बिजनौर से शुरुआत करूंगा, लेकिन इस लड़ाई को मुझे दिल्ली लेके जाना है। बिजनौर में नहीं रोकनी है, इसलिए नहीं रोकनी है क्योंकि ये लड़ाई दिल्ली जाके ही समाप्त हो सकती है। मेहनत बहुत करूंगा, ईमानदारी के अलावा कुछ आता नहीं है, कुछ कमाया नहीं है ना कमाने की इच्छा। एक ही चीज आती है कि आप मेरे जाने के बाद ही मुझे याद रखो, आज यहाँ के बाद भी और जब इस दुनिया से जाऊंगा तब भी, इतना ही कमाना है बस। देखो अगर इंसान हो के, मैंने वहां कहा पिछले उसमें, अगर इंसान हो के और इंसान के दर्द पे आपको तकलीफ नहीं है तो फिर आप इंसान नहीं। और आज के जो हालात हैं, जो लोग इंसान की तकलीफ पे हंस रहे हैं, उनसे ज्यादा उम्मीदें नहीं बची। अब तो अपनी ताकत बनाइए और अपनी ताकत से अपने आने वाले रास्ते खोलिए, इसके बारे में सोचिए। मैंने अभी मैं महाराष्ट्र से लौटा, कुछ किताबें लाया हूं वहां से, एक बच्चे बड़े अच्छे अधिकारी उन्होंने दी, और उन किताबों का अध्ययन ये कहता है कि जब भी थोड़ा सा रंग मेहनत तो चढ़ता है, थोड़ा सा रंग, तभी कुछ ना कुछ माहौल ऐसा देश में करके उस रंग को उतार दे जाता है। ये एक साजिश है, इसका हिस्सा नहीं बनना है। इसलिए बहुत बहुत शुक्रिया जिन लोगों साथियों ने प्रोग्राम कराया, जिन लोगों ने